हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विनीत त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में कि जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, उनको किस फील्ड में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति क्या रहेगी, माली हालत कैसी रहेगी, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, महिला मित्रों से लाभ होगा या नुकसान, पुरुष मित्रों से लाभ होगा हानि, ये सवाल हम आपको बताएंगे। भूमि भवन का क्या योग बन रहा है और आज आपके कौन से व्यापार से लाभ मिलेगा, इंडस्ट्री लगाएंगे या नए तरह के व्यापार करेंगे, इन सब पर बात भी आज हम करेंगे। संततियों को कैसा सुख मिलेगा ये सब बताएंगे। आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है और आज आपको उपाय क्या करना है, सावधानी क्या बरतनी है, सारी बातें आज हम आपको जानकारी देंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज्योतिष में अगर आपका इंटरेस्ट है, कोई भी प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में जाकर के अपना नाम लिखें, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन है। आज आपको चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की जरूरत है। अपने आत्मबल से, आत्मविश्वास से बड़े बड़े कार्य आप कर सकते हैं। जरूरत है कार्य की श्री गणेश करने की, आप श्री गणेश ही नहीं करते, योजनाएं बनाते हैं और हवाई महल बनाते हैं। तो हवाई महल योजनाएं बनाने के बजाय कार्यों को मूर्त रूप देने की प्लान करें, क्योंकि आज आपको ढेर सारे सुंदर अवसर मिलेंगे। तो अवसर का सदुपयोग करना सीखें आप और आलस्य का परित्याग करें। बेवजह गुस्सा करते हैं, तनाव में रहते हैं, मन में अज्ञात सुरक्षा की भावना रहती है, इससे आज आपको बचने की जरूरत है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, माता पिता से राय लेके करिए। अगर कोई भी नया कार्य करते हैं तो माता पिता के बगैर एडवाइस से किसी कार्य की शुरुआत ना करें, उनका आशीर्वाद लें, गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के शुरुआत करें। यदि आज आप सरकारी नौकरी, उच्च पद, कहीं भी किसी फील्ड में अगर आप कंपटीशन वगैरह दिए हैं, प्रतियोगी परीक्षा का आपने एग्जाम दिया है, तो उसमें आज आपके रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। व्यापारिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, पारिवारिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, रुका हुआ धन मिलेगा। परिवार में भाई बहनों के लिए बहुत बेहतरीन समय है, उनके लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। घर बनाने की यदि आपने योजना बना रखी है तो घर भी बना सकते हैं, गाड़ी भी खरीदने का योग बन रहा है। रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता पिता का सहयोग मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, रोग और शत्रु दोनों परास्त होंगे और खड्यंत्रकारी विफल रहेंगे। पत्नी से थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है और हेल्थ वेल्थ को लेकर के आपके मन में अकारण चिंता हो सकती है। और आज आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महिला मित्रों के सहयोग से कुछ बड़ा कर सकते हैं, मित्रों के सहयोग से आज आपको नए तरह के कार्य हो सकते हैं, इंडस्ट्री वगैरह लगा सकते हैं, विदेश जाने का भी योग बन रहा है, तीर्थयात्रा से भी आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है। तीर्थयात्रा करने का योग है, किसी बड़े गुरु जी, कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक मिल सकते हैं जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। तो आज का दिन आपके लिए बड़े ही बेहतरीन है और धन के लिए, आर्थिक क्षेत्र के लिए, प्रगति के लिए, हर दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने आलस्य का परित्याग करें। उपाय क्या करना है, उपाय में करना कि भगवान श्री गणेश की आराधना करें और सूर्य देव को जलाभिषेक करें। ओम घृणी सूर्या नमः, इस मंत्र से सूर्य देव को जलाभिषेक करें। जल ले लें, उसमें रोली डाल लें और लाल चावल डाल करके लाल पुष्प, ओम घृणी सूर्या नमः, इस मंत्र से सूर्य देव को जलाभिषेक करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। माता पिता का चरण स्पर्श हुए प्रातः काल उठ करके, और भी कोई नया कार्य करने के प्लानिंग तो उसके लिए बढ़िया। आपके लिए शुभ अंक 5 है, शुभ रंग लाल है। हरे कृष्ण।